मेडिकोज टूडे वी विल डिस्कस स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक टेक्निकार्ट सेवन स्टेनिंग मतलब ये क्या करती है इस स्टेनिंग का नाम ही क्या है डिफरेंशियल स्टेनिंग स्टेनिंग मतलब ये जैसे जो बैक्टीरियल सेल या ऑर्गेनल्स है या सेल ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको डिफरेंट कलर देके मतलब उनको डिफ्रेंसियट कर देती है उनकी स्टडी के डिफ्रेंसिएट करने के लिए की जाती है क्योंकि इसमें इंपार्ट डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया जैसे अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग कलर दे देंगे डिम्पार्ट डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया या माइक्रोन और बैक्टीरियल सेल यूज ऑफ इस प्रकार की स्टेनिंग में यूज ऑफ टू या मल्टीपल कंट्रास्टिंग स्टेंस इस प्रकार की स्टेनिंग में दो प्रकार के स्टेंस का यूज होता है यूज ऑफ टू कंट्रास्टिंग स्टेंस जिसे फर्स्ट बार यूज करते हैं जिसे पहले यूज करते हैं फर्स्ट में यूज करते हैं उसे प्राइमरी स्टैंड कहते हैं और दूसरे स्टैंड को सेकेंडरी स्टैंड कहते हैं इस स्टैंडिंग में ये जो डिफरेंशियल स्टैंडिंग है ये टोटल टू प्रकार की ये डिफरेंशियल स्टैंडिंग को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं ए स्टैंडिंग फॉर सेपरेशन इन ग्रुप्स मतलब जो डिफरेंशियल स्टेनिंग कर रहे हैं वो क्या कर रही है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ए एफ बी नॉन ए एफ बी तो देखिए ये फिर इसमें थ्री स्टेन इंक्लूड है ग्राम स्टेन एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है जिसमें प्राइमरी स्टेन मॉडर्न डीकलराइजर एंड सेकेंडरी स्टेन होता है इसमें प्राइमरी स्टैंड बेसिक स्टैंड होता है जैसे क्रिस्टल बॉयलेट और सेकेंडरी स्टैन जो मेनली यूज होता है सेकेंडरी स्टैंड इसमें सेकेंडरी स्टैन जो होता है सेफ्रिनिन होता है तथा इसमें मॉडेंट के रूप में ग्राम्स आयोडीन का यूज किया जाता है ये ग्राम्स स्टैंड के बेस पर हम टोटल सभी बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जिसका हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एसिड फास्ट स्टेन या ए एफ बी स्टैंड मतलब हम बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ए एफ बी एंड नॉन ए एफ बी इस्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड है अलवर्ट स्टैनिंग अलवर्ट स्टैनिंग कॉरेनोबैक्टेरियम डिपथरी के लिए होती है ये भी डिफरेंशियल स्टेनिंग है अब इसका जो दूसरा टाइप्स है किसका डिफरेंशियल स्टेनिंग का वो है स्टेनिंग फॉर विजुलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर मतलब अपन जो डिफरेंशियल स्टेनिंग कर रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज या बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर को विजुलाइज मतलब टू टू सी व्यू करने के लिए कर रहे हैं हैं तो इन्हें स्पेशल स्टेनिंग भी कहते नंबर जैसे कैप्सूल स्टेनिंग कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कैप्सूल की स्टेनिंग करने के लिए हम डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं स्पोर स्टेनिंग एंडोस्पोर के लिए फ्लैजिला स्टेनिंग जो फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनकी फ्लेजिला की स्टेनिंग के लिए ये करते हैं ये सब डिफरेंशियल स्टेनिंग है अब डिफरेंशियल स्टेनिंग का यूज क्या होता है मेनली स्टेनिंग कैन आल्सो बी यूज द स्टेनिंग कैन आल्सो बी यूज टू कलर डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स मतलब द स्टेनिंग कैन आल्सो बी यूज इस स्टेनिंग का जो यूज करते हैं वो कलर डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स ऑर्गेनाल्स जो सेल ऑर्गेनल्स या जो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग कलर से स्टेन कर दिया जाता है मतलब उन्हें कलर में डिफरेंट कर दिया जाता है जैसे ग्राम पॉजिट ग्राम से में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कलर हमें विजुलाइज होता है वो क्रिस्टल वायलेट का कलर अर्थात वो पर्पल कलर विजुलाइज होता है और जबकि जो ग्राम नेगेटिव का कलर जो विजुलाइज होता है वो रेड पिंक कलर

या जो स्टैंड या डाई यूज होती है उन्हें हम डिफरेंशियल स्टैंड कहेंगे क्या बोलेंगे डिफरेंशियल इसमें जो यूज होता है मेनली प्राइमरी स्टैंड सेकेंडरी स्टैंड मॉडर्न नंबर वन प्राइमरी स्टैंड प्राइमरी स्टैंड मतलब ऐसा स्टैंड जो फर्स्ट में यूज होता है स्टैंड यूज्ड स्टैंड यूज्ड एट फर्स्ट अर्थात हम जब स्टैंड यूज्ड एट फर्स्ट जब फर्स्ट में स्टैन यूज होता है अर्थात जो प्रिपेयर्ड स्मियर है प्रिपेयर्ड स्मियर हीट फिक्स स्मियर है उस पर जो सबसे पहले हम जिस स्टैंड का यूज करेंगे जिस स्टैंड को अप्लाई करेंगे उसे हम प्राइमरी स्टैंड कहेंगे जैसे क्रिस्टल वायलेट ये स, ये बेसिक डाई होती हैं मतलब बेसिक स्टैंड होती हैं इनकी पीएच कौन होती हैं बेसिक स्टैंड होती हैं जिनका डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं अर्थात ये पॉजिटिव स्टैन होती हैं प्लस चार्ज होता है इन पर ठीक है इनकी जो पीएच होती है वो सेवन पॉइंट जीरो से अधिक होती है प्राइमरी स्टैंड तो जैसे देखिए क्रिस्टल वाइलेट मैथिल वाइलेट जेंसन वाइलेट कार्बन फंक्शन सेकंड सेकेंडरी स्टैंड सेकेंडरी स्टैंड का मतलब जिसे बाद में यूज किया जाता है प्राइमरी स्टैंड के बाद यूज किया जाता है इट इज आल्सो कॉल्ड

काउंटर स्टैंड के रूप में यूज होता है अब ये हो गए फर्स्ट एंड सेकंड जो हम डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं इसमें स्टेनिंग के साथ साथ एक और रिएजेंट यूज होता है उसे कहते हैं modern. ये मॉडर्न क्या होता है इट इज ए सेटिंग एजेंट और फिक्सिंग एजेंट मतलब ये क्या करता है मॉडर्न प्राइमरी स्टेन और जो बैक्टीरियल सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बिटवीन एक माध्यम का कार्य करता है एक मीडिएटर का कार्य करता है मतलब मॉडर्न प्राइमरी स्टेन को रिटेन कराने का काम करता है किसके अंतर्गत माइक्रो या बैक्टीरिया या उसकी सेल सेलबाल में तो मॉडर्न क्या है एक तरीके का ये ही है लेकिन ये केमिकल क्या करता है प्राइमरी स्टेन के साथ रिएक्ट होकर प्राइमरी स्टेन के साथ रिएक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है मतलब प्राइमरी स्टेन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बनाता है यह कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल होता है और स्टेबल होता है इट इज ए केमिकल दैट फॉर्म्स स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद द स्टेन मतलब प्राइमरी स्टेन के साथ अर्थात प्राइमरी स्टेन को सेल बैक्टीरियल सेलवाल अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमेन में, में फिक्स कर देगा इसलिए इसे फिक्सिंग एजेंट या सेटिंग एजेंट कहा जाता है दीदी की प्राइमरी स्टेन पॉजिटिव है मॉडर्न जनरली नेगेटिव होता है तो प्राइमरी स्टेन प्लस मॉडर्न तो क्या बन गया इनसॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राम्स स्टेनिंग पर डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो ऑन ग्राम्स स्टेन्स एंड स्टेनिंग टेक्निक